हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में 1020 नर्सों की जल्द होगी भर्ती, 5500 की ज़रूरत है पर 1500 ही यहाँ पे कार्यरत हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर रीड करके बताने वाला हूँ और न्यूज़पेपर में पूरा आर्टिकल आपको यहाँ पे पब्लिश करके दिया जा रहा है और किस तरीके से ये भर्ती यहाँ पे होगी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें, कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से यहाँ पर जरूर मिलेगी। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट पकड़ा है, कोई भी सवाल पकड़ा है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है, अगर जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की हर सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और यहाँ पे जो आर्टिकल दिया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1020 नर्सों की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अस्पताल की जरूरत को देखते हुए तत्कालिकता के आधार पर यह भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि देखिए मानकों के तहत स्वास्थ्य विभाग को कुल 5500 नर्सों की जरूरत है, जबकि राज्य में इस समय महज 1500 के करीब ही स्टाफ नर्स कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि IPHS मानकों के तहत अस्पतालों में 4000 के करीब नर्सों की भर्ती होनी है। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे जो नर्सों की यहाँ पे ज़रूरत है, 5500 के करीब यहाँ पे रहना चाहिए और अभी हाल ही में इससे कम यहाँ पे नर्स यहाँ पे कार्यरत यहाँ पे कार्य कर रही हैं। और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन फिलहाल तत्कालिकता के आधार पर 1020 नर्सों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की ज़रूरत को देखते हुए इस भर्ती का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नर्सों की भर्ती के लिए अस्पतालों की रिक्ति का विवरण नहीं मांगा गया है। भर्ती के बाद जरूरत के आधार पर इन नर्सों को तैनाती दी जाएगी। भर्ती नियमित होगी और जल्दी इसका प्रस्ताव उत्तराखंड चिकित्सा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए नीचे यहाँ पे लिखते हैं 1200 पदों पर पहले से चल रही है प्रक्रिया। तो मैं इस यहाँ पे देखिए 1200 पद यहाँ पे इससे पहले थे, ऑलरेडी यहाँ पे ये प्रक्रिया यहाँ पे चल रही थी। इसमें यहाँ पे लिखते हैं राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नियमित नर्सों की भर्ती के लिए सरकार ने पहले ही 1200 के करीब पदों पर भर्ती का निर्णय लिया था। नियमावली न होने की वजह से अभी तक यह भर्ती नहीं हो पा रही है, लेकिन पिछली कैबिनेट में नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द इन पदों पर भर्ती होगी। ऐसे में अब राज्य से नर्सिंग पास युवाओं को 2200 से अधिक पदों पर भर्ती का मौका मिलने जा रहा है। आगे यहाँ पे लिखते हैं यह भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पहले नर्सों की भर्ती सीनियरिटी के आधार पर होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, युवाओं जो हैं यहाँ पे जितने भी हैं जो नर्सिंग फील्ड से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2200 से अधिक पदों पर भर्ती का मौका मिलने जा रहा है इन कैंडिडेट्स को। और देखिए पहले जो यहाँ पर वैकेंसी होती थी सीनियरिटी के बेसिस पर यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलती थी, अब लेकिन जो है यहाँ पर बदलाव कर दिया है और यहाँ पर जो यहाँ पर लिखित परीक्षा का प्रावधान जो किया गया है इस आधार पर ही आप लोगों को यहाँ पर ये जॉब मिलने वाली है। अंत में यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ दिया जा रहा है, लिखा है नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को भी मंजूरी। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। अब इससे नर्सिंग शिक्षा में कार्यरत फैकल्टी और ट्यूटर को प्रमोशन के मौके मिल जाएंगे। नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली का लाभ चिकित्सक शिक्षा विभाग में कार्यरत 42 फैकल्टी को मिलेगा। अभी तक राज्य में नर्सिंग शिक्षक नियमावली नहीं थी, जिस वजह से नर्सिंग फैकल्टी को प्रमोशन के मौके भी नहीं मिल पा रहे थे। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, पूरा आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पे रीड करके बता दिया है। जल्द ही यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। और देखिए कैबिनेट की जो बैठक थी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे बोल दिया गया है, जल्द से जल्द ये भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी होगा और नर्सिंग स्टाफ के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे, नर्सिंग फील्ड से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों के लिए एक बड़ा सा यहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगा नर्स की वैकेंसीज़ के लिए। और अस्पतालों में जितने भी यहाँ पे रिक्त पद पड़े हुए हैं नर्स के लिए, ये यहाँ करता हूं, इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिल गई होगी। लाइक कर दें इस वीडियो को, दिल से वीडियो को यहां पे लाइक करें, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहां पे दी है। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहां पे पूछ सकते हैं। चाहे तो आप सभी लोग जो है अपने फ्रेंड्स लोगों में इस वीडियो को यहां पे शेयर कर सकते हैं, सभी लोगों को ये जानकारी यहां पे बता दें। नर्स का बंपर रिक्रूटमेंट यहां पे कुछ समय बाद यहां पे देखने को मिलने वाला है, सभी लोगों को ये जानकारी शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स लोगों में, और सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यहां पे बता दें। और देख पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की हर सरकारी भर्ती की जानकारी हम आपको यहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली है आपसे यहां पे छूटना नहीं चाहिए, हमारे चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहां पे क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की हर सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।